स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्टेफन्स लॉ एंड विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो पहले समझ लेते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है। उसके पहले ये जो रेडिएशन है, थोड़ा रेडिएशन चीज़ को समझते हैं। आप मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, कोई भी एक पत्थर वगैरह कुछ भी हो सकता है, बॉडी है। अब देखो रेडिएशन कहाँ से आता है हमारे पास, सन से आता है। सन से कंटिन्यूस रेडिएशन आ रहा है। रेडिएशन किसके फॉर्म में होते हैं, रेडिएशन के पास क्या होते हैं, एनर्जी होते हैं। अब देखो जब एनर्जी लेके आएगा, ये बॉडी क्या करेगा, इस एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा। डन, ये एब्जॉर्ब कब करेगा, देखो यार अगर अगर बाहर का टेम्परेचर, देखो यार सिंपल सी बात है, अगर इस बॉडी का टेम्परेचर रेडिएशन से ज़्यादा है, अभी देखो इस बॉडी का टेम्परेचर रेडी, अभी देखो रेडिएशन का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री सेल्सियस है, बॉडी का 20 डिग्री सेल्सियस है, क्या बॉडी इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं करेगा। डन, लेकिन अगर इस बॉडी का टेम्परेचर मतलब इस बॉडी का अगर मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस होता और रेडिएशन का 10 है, तो क्या करता है, ये बॉडी इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता। डन, अब देखो रेडिएशन के अंदर क्या होता है, जब हम लोग का जो सनलाइट से जो रे आता है उसे हम रेडिएशंस बोलते हैं, आप सबको पता है उसे हम रेडिएशंस बोलते हैं। अब रेडिएशंस के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है, ये तो पता है ना। अभी आपने पढ़ के रखा है स्पेक्ट्रम कि एक तो भाई विजिबल लाइट होता है, विजिबल लाइट होता है उसके अंदर कुछ एनर्जी होते हैं, फिर अपने यूवी लाइट आते हैं उसके अंदर कुछ होते हैं, फिर गामा रेडिएशन होते हैं डन, फिर अपना रेडियो वेव्स होते हैं, आया समझ में, फिर इंफ्रारेड होते हैं। तो ये सारे रेडिएशन हमारे पास आ रहे होते हैं कहाँ से, सन से आ रहे होते हैं। अब उस रेडिएशन के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर रेडिएशन से ज़्यादा है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, अगर कम है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब मानते हैं कि सन से जो रेडिएशन आ रहा है इसमें से क्या करेगा, किसी किसी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ कुछ को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। आया समझ में, कुछ कुछ रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर लेगा। अब अगर मुझे पता करना है कि भाई कितना एब्जॉर्ब हुआ है, अब देखो जब एक रेडिएशन आता है ना वो सारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। जैसे अगर अपने अर्थ में एक रॉक होता तो रॉक के ऊपर जितने रेडिएशन आते हैं वो बस गामा रेडिएशन को एक्सेप्ट करता, बाकी सबको बाहर कर देता। तो वही अगर मुझे निकालना है कि एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस का रेशियो क्या है, एब्जॉर्बेंस जिसको ए से लिखते हैं इसका रेशियो क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एक्सेप्टेड, कितने सारे वेवलेंथ को एक्सेप्ट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितने सारे वेवलेंथ आए थे। वेवलेंथ के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है, पता है ना कि ये सारे रेडिएशन किसके फॉर्म में आते हैं, वेव के फॉर्म में आते हैं। डन ना, ये तो हमें पढ़ के रखा है हमने ऑलरेडी छोटे क्लासेस में कि सारे रेडिएशन वेव के फॉर्म में होते हैं, वेव के पास एनर्जी होता है और एब्जॉर्बेंस क्या बताता है, कितना वेवलेंथ आया था जो जो इस बॉडी ने एक्सेप्ट किया अपॉन कितना उस वेवलेंथ को उसने मतलब कितना अमाउंट ऑफ वेवलेंथ उसने एक्सेप्ट किया अपॉन कितना वेवलेंथ आया था उस बॉडी के पास। तो ये होता है रेडिएशन का फंडा। अगर देखो अगर रेडिएशन का टेम्परेचर ज़्यादा है, बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो रेडिएशन का टेम्परेचर ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर कम, तो फिर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा वही जगह पे। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो गया, तो बॉडी क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा या फिर रेडिएट करेगा, क्या करेगा, रेडिएट करने वाला है। डन है, रेडिएट करेगा। अब देखो अभी जो ब्लैक बॉडी का फंडा है ना, ये कुछ ऐसा बॉडी है जिसका एब्जॉर्बेंस कितना है, 100% है। डन, ये ब्लैक बॉडी क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले, अभी समझ आ जाएगा। ए ब्लैक बॉडी इज सच ए बॉडी विच हैज 100% एब्जॉर्बेंस। समझ रहे हो, जितने चीज़ें आएंगे सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, कब, जब इस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लेस होगा कंपेयर टू तुम्हारा रेडिएशन के टेम्परेचर से, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन द रेडिएशन टेम्परेचर, यहाँ तक हमें बात समझ आता है। डन, जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कम होगा रेडिएशन के टेम्परेचर से, तो क्या कर लेगा, वो सारा जितने भी रेडिएशन आ रहा है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसका 100% एब्जॉर्बेंस है। अब देखो अभी मान लो कि भाई एब्जॉर्ब करते करते एक टाइम में इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, इसके अंदर हीट एनर्जी बहुत बढ़ जाएगा, तब वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा। जब वो रेडिएट करेगा, वो कौन से वेवलेंथ को रेडिएट करेगा, सारे वेवलेंथ को करेंगे। ये ब्लैक बॉडी सच ए बॉडी विच हैज 100% एब्जॉर्बेंस
व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज लेस देन द रेडिएंट टेम्परेचर, और एक चीज साथ में लिख लेंगे, एंड इट एब्जॉर्ब ऑल द वेवलेंथ्स, ये सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सिमिलरली व्हेन इट्स टेम्परेचर इज हायर देन सराउंडिंग टेम्परेचर, जब इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हायर देन सराउंडिंग, जब इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इट विल इमिट ऑल द रेडिएशन। आया समझ में, क्योंकि जब इसका टेम्परेचर कम था, सन का रेडिएशन का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो इसने सारा वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था। उसी तरह जब सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सारा वेवलेंथ को दोबारा क्या कर देगा, इमिट करना शुरू कर देगा या फिर रेडिएट करना शुरू कर देगा। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, भाई ब्लैक बॉडी, रियल लाइफ में ब्लैक बॉडी हमें कहाँ देखने मिलता है, तो जितने भी आपके स्टार्स हैं ना, जैसे आपका स्टार्स उसमें से एक सन भी है ना, तो ये सब क्या हो गया, ये सब एग्जाम्पल से ब्लैक बॉडी का। तो सन क्या है, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, क्योंकि इसी में से तो हमारे पास रेडिएशन आता है ना, एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। किसके टर्म पे, क्या बोलते हैं, रेडिएशन के टर्म पे, ठीक है, रेडिएशन के टर्म पे परफेक्ट ब्लैक बॉडी कौन हुआ, सन, क्योंकि ये सारे जो हमारे रेडिएशन है उसको निकाल सकता है, ठीक है ना, एमिट कर सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ रेडिएशन या फिर एमिशन कौन हो गया, आपका सन हो गया। उसी तरह दूसरा, अगर आप एब्जॉर्बेंस के टर्म पे बताओगे तो ऐसा कुछ परफेक्ट तो है नहीं, लेकिन हम हमारे अर्थ को कह सकते हैं, अर्थ को कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या, एब्जॉर्बेंस, आप इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बेंस अर्थ को कह सकते हो कि एक ब्लैक बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसमें 99% क्या हो जाता है, जितने भी रेज आते हैं ना, जितने भी रेडिएशन आते हैं, 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ यूवी को बाहर निकाल देता है। तो ये हमें समझ आता है, डन। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमने पढ़ लिया, अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है और अपने रेडिएशन का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो बॉडी क्या करेगा, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करते करते वो अपना टेम्परेचर एक टाइम में बहुत ज़्यादा कर लेगा, और अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है तो वो जितने भी, मतलब वो सारे वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया था, वही सारा वेवलेंथ को वो एमिट करना शुरू कर देगा, डन। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ एमिशन या फिर रेडिएशन कौन है, स्टार्स या फिर स्टार्स या सन, ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ एमिशन। वही एब्जॉर्बेंस के टर्म पे अगर हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करें तो है नहीं, अर्थ को हम मान सकते हैं 99% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देता है और कुछ यूवी वगैरह को बाहर फेंक देता है। यहाँ तक हमें समझ आया, तो ये है हमारा ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। और एक चीज़, ब्लैक बॉडी देखने में ब्लैक नहीं होता है, और अगर हम बात करें जनरल लाइफ में तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कार्बन ब्लैक को, अगर हम अगर लैब में बनाना चाहें तो हम कार्बन ब्लैक को यूज़ करके बना सकते हैं, कार्बन ब्लैक को यूज़ करके हम ब्लैक बॉडी बना सकते हैं। वो उतना परफेक्ट नहीं बनेगा, बट हम अपने लिए वही बना सकते हैं खाली। तो हमें यहाँ तक बातें समझ आया, डन। तो अब हम आते हैं स्टीफेंस के लॉ पे। ये जो दोनों लॉ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, परफेक्ट ब्लैक बॉडी इन टर्म्स ऑफ एमिशन हमने सन को माना है, एब्जॉर्बेंस के टर्म पे कुछ नहीं है, तो स्टीफन का और विन डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों लॉज हमें एमिशन के बारे में बताएंगे। ये दोनों लॉज हमें किसके बारे में बताएंगे, एमिशन के बारे में। ये दोनों लॉज किसके ऊपर दिए गए हैं, एमिशन के ऊपर दिए गए हैं, डन। यहाँ पे हमने वेवलेंथ का बात किया था, टेम्परेचर का बात किया था, तो ये दोनों लॉज उसी के ऊपर है। स्टीफन का लॉ है जाके टेम्परेचर के ऊपर, और अपना विंस का डिस्प्लेसमेंट का लॉ है जाके वेवलेंथ के ऊपर, डन। अब इसको देखते हैं। जो अभी देखो यार, पहले बातचीत कर लेते थोड़ा सा। अभी तुम्हारे पास एक बॉडी है, डन, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका 30 डिग्री, मान लो एक ब्लैक बॉडी है, इसका 30 डिग्री सेल्सियस इस बॉडी का है, बाहर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से रेडिएशन करेगा ना, अपने अंदर से एनर्जी को बाहर निकालेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अब जो एनर्जी को बाहर निकालेगा ना, वो कितना होगा, डन। तो स्टीफन्स ने बताया कि जो एनर्जी एमिट होने वाला है वो क्या होता है, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, बल्कि टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली नहीं, टेम्परेचर के फोर्थ पावर पर डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो स्टीफन्स लॉ स्टेट्स दैट, लिख देंगे, स्टेट्स दैट एमिशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी या फिर फ्रॉम अ, ठीक है, ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब समझ रहे हो कि जो एमिशन होगा वो खाली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसके ऊपर, फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है। तो अगर मैं लिखूँ तो एमिशनल किसके ऊपर, ए स्टीफेंस ने बताया, ठीक है, टी पावर फोर। खास है कैसे है मत सोचो, बस स्टीफेंस का लॉ है तो बस लॉ है, डन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया था स्टीफन ने, तो यहाँ पे अपना एक कॉन्स्टेंट लिखा था, उस कॉन्स्टेंट को हम बोलने वाले स्टीफेंस कॉन्स्टेंट, और इसको लिखा जाता है ऐसे, डन है। तो ये क्या है अपना, स्टीफन का कॉन्स्टेंट है, स्टीफन का कॉन्स्टेंट है। इसका वैल्यू है जाके हमारे पास 5.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन का पावर 4, डन। ये इसका वैल्यू है। अभी एक केस आता है, इसमें एक केस आता है कि भाई ये तो खाली एमिटेंस में बताया, अभी अगर आपके पास एक इन्वायरमेंट भी है, अभी मतलब जहाँ पे रेडिएशन हो रहा है प्रैक्टिकली उसके बगल में एक इन्वायरमेंट भी है, तो ये फॉर्मूला तब कैसे काम करेगा। तो बताया आपने, स्टीफन ने बताया, तब ये फॉर्मूला ऐसे ही काम करेगा, बस यहाँ पे आपका टी पावर फोर माइनस ऑब्जेक्ट का मतलब सराउंडिंग का भी टेम्परेचर आप लिख दो। तो यहाँ पे जो टी लिखा गया है ना, वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी या फिर ब्लैक बॉडी, और यहाँ पे टी नॉट क्या है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। यहाँ तक बात है, हमें समझ आया कि टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है ये चीज़। तो स्टीफेंस का लॉ क्या कहता है, जो अपना एमिशन होने वाला है ब्लैक बॉडी से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके पास, टेम्परेचर के फोर्थ पावर पे, डन। कि मतलब वो खाली टेम्परेचर पे नहीं बल्कि उसका फोर्थ पावर पे डिपेंडेंट है, डन। उसके बाद एक केस बताया, अगर सराउंडिंग में कुछ टेम्परेचर है तो आप क्या कर लोगे, टी पावर फोर जो बॉडी का है माइनस सराउंडिंग का कर लोगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एमिशन हो रहा है तो जो ब्लैक बॉडी है उसी का टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ तक हमें बात समझ आया। अब हम बात कर लेंगे विंस के ऊपर। तो विंस ने जो लॉ बनाया था वो वेवलेंथ के ऊपर था। तो अब देखो वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन, तो नीचे हमने लिख देना है वेवलेंथ, नीचे हमें लिख देना है वेवलेंथ जो लैम्डा होगा, और ऊपर हमें लिख देना है एनर्जी, एनर्जी एमिटेंस। अब देखो विंस ने क्या किया, विंस ने पहले कोई एक बॉडी को एक सर्टेन लेवल तक हीट किया, मान लो इसको उसने इतने केल्विन पे हीट किया, तो उसे दिखा कि भाई इसके अंदर जो एनर्जी कंटेनिंग है वो कुछ ऐसे लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 वेवलेंथ पे है, और सबसे ज़्यादा किसका आया था, यहाँ पे आया था, इसको लैम्डा 4 लिख देंगे, इसको 5, इसको लैम्डा 3, मैक्सिमम किसके पास आया था, यहाँ पे लैम्डा 3 के पास आया था। तो विंस ने फिर से यही बॉडी को दोबारा हीट किया, तो विंस ने देखा कि इस बार थोड़ा सा अलग आया। इस बार उसने देखा, जब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट अप किया 2000 केल्विन पे, तो मुझे दिखा जो मैक्सिमम एनर्जी है ना वो क्या हो रहा है, सेकंड वेवलेंथ पे आ चुका है, जो मतलब कम वेवलेंथ है उसके पास आ चुका है। देखो यार आगे बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ भी बढ़ रहा है। तो पहले जब 1000 अपना 1100 में जब इसको हीट अप किया था तो उसके पास लैम्डा 3 पे मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब जो लैम्डा 3 वाला वेव था उसके पास क्या था, मैक्सिमम एनर्जी था। उसी तरह जब स्टीफन ने उसको दोबारा हीटअप किया 2000 केल्विन में, तो उसने स्टीफन ने देखा, विंस ने देखा कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ है वो किसके पास है, अभी लैम्डा 2 के पास मैक्सिमम एनर्जी है वेवलेंथ में। फिर से जब इसी चीज़ को दोबारा हीटअप किया गया, तो मान लो कि 3000 में कर दिया गया, 3000 केल्विन में, तो अपना विंस ने देखा कि जो मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ है वो शिफ्ट हो चुका है, कहा पहले वाले में जो सबसे कम था, जब सबसे छोटा वेवलेंथ है ना उसके पास शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे क्या दिखता है, जैसे जैसे अगर आप ध्यान दो तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ये वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी के ऊपर लॉ किसने बनाया था अपना, स्टीफन क्या बोलते विंस ने बनाया था। तो लिख देंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट एज द temperature of a body, as the temperature of body increases, maximum energy containing wavelength decreases। आया समझ में, तो maximum जो energy जो wavelength contain करता है उसका value कम होते रहता है। तो यही बताया था। तो मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो लैम्डा एम जो मैक्सिमम वाला है
वो क्या होगा, अगर वो कम होगा तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एक बढ़ेगा तो और एक घटेगा। तो अगर लैम्डा, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे लैम्डा कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आया? तो जब हमने यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो यहाँ पे बी आया अपॉन टी आ गया। तो यहाँ पे बी क्या हो गया हमारा, विंस कॉन्स्टेंट, विंस कॉन्स्टेंट आया। और इसका वैल्यू है जाके हमारे पास 2.898, इसको आपको याद कर लेना है इसका वैल्यू। और साथ में यहाँ पे लैम्डा को मीटर में नापेंगे और टेम्परेचर को केल्विन में। तो आई होप इसके साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपका एक भी डाउट नहीं बचा है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में फिर, तब तक के लिए गुड बाय। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं फिर बिल्कुल। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जो ऑल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब ऑल वेवलेंथ व्हिच प्रोसेस रेडिएशन, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरह उसको वो आगे बोलते हैं इमिशन भी कर सकता है, मतलब रेडिएट भी कर सकता है। अब परफेक्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे अपने ब्लैक बॉडी की, तो क्या हो गया, स्टार्स और सन, अगर इमिशन के टर्म पे बात करेंगे। तो अगर हम एब्जॉर्बेंस के टर्म पे बात करेंगे तो अर्थ को ले सकते हैं, बस इसमें 99% एब्जॉर्बेंस ही होता है। तो जैसे हमने सन को माना था कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी इमिशन के टर्म पे, तो स्टीफन और विंस ने लॉ बनाए इसी इमिशन के ऊपर। तो इस स्टीफन का लॉ क्या कहता है, जो इमिशन होगा वो टेम्परेचर पर फोर्थ पावर पर डिपेंडेंट है, डन। और जो विंस ने बताया था उसने क्या बोला था, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ है उसका वैल्यू कम होते रहेगा। तो यही है पूरा चैप्टर। तो फाइनली गुड बाय, टेक केयर।